हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया था, जिसके अंदर क्या था कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। ये जो लॉ है ये H.H. गॉसन ने दिया है और इसको हम गॉसन सेकेंड लॉ भी कह सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर है इज़ इरेशनल, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो ये जो टर्म मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे जब भी आपने स्टार्ट करना है इसको जनरल मीनिंग लिखना है तो यही लिखना है कि कंज्यूमर का जो इंटेंशन है टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसकी इनकम जो होती है लिमिटेड होती है लेकिन उसने डिफरेंट कमोडिटीज़ परचेज करनी होती है। वो इस ढंग से डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर अपनी लिमिटेड इनकम को एलोकेट करता है कि जो लास्ट रुपये वो हर एक कमोडिटी पर स्पेंड करता है उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, तभी जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे डॉक्टर मार्शल है, इफ़ ए पर्सन हैज़ ए थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेज ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दिस यूजेज इन सच ए वे डैट ही हैज़ द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। इसका कहने का मतलब है कि जैसे एक कमोडिटी है लेकिन उसको हम अलग अलग यूजेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑयल है स्टोव में भी यूज़ कर सकते हैं, लालटन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो नेचुरली हम इस ढंग से यूज़ करते हैं, हर एक यूज़ के अंदर जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इक्वल मिलती है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, उनके मुताबिक जो कंज्यूमर है उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी सो ऑन। और ये जो लॉ है ये भी कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट तो ये कि यूटिलिटी को हम मेयर कर सकते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है पॉसिबल है, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उससे बता सकते हैं कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली है। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, और कंज्यूमर जो है हमारा रैशनल है वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, हमेशा जब भी चीज़ें परचेज करता है तो कंपेयर करके चीज़ें परचेज करता है। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं प्राइस टेस्ट फैशन हैबिट्स इनकम जो है कांस्टेंट रहती है, कमोडिटीज़ को हम छोटे छोटे हिस्सों के अंदर परचेज कर सकते हैं, और जो हमारी मतलब जो कंजम्पशन है वो एक डिफाइंड पीरियड के अंदर होती है, और जो यूटिलिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं ना कॉम्पिटिटिव गुड्स होती हैं, और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनलिटी ऑफ गुड्स दे आर इंडिपेंडेंट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये रुपीज़ है, जो कंज्यूमर है उसके पास जो रुपीज़ हैं वो 5 रुपये हैं, वहाँ पे बाज़ार में जाता है मैंगोज़ भी हैं एप्पल्स भी हैं, तो नेचुरली हमारा कंज्यूमर रैशनल है वो कंपेयर करके चीज़ें खरीदता है। देखो मैंगो जो एप्पल्स है उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है तो 1 रुपये वो एप्पल के ऊपर स्पेंड कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंगो और एप्पल की एक जैसी है तो 2 रुपये वो मैंगोज़ के ऊपर स्पेंड कर देता है, 3rd फिर एप्पल पर स्पेंड कर देता है, 4th फिर मैंगो पर स्पेंड कर देता है, 5th जो है वह एप्पल्स पर स्पेंड कर देता है। 5 रुपये के अंदर से देखो 3 रुपये वो एप्पल पे स्पेंड करता है, 2 रुपये वो मैंगोज़ पे स्पेंड करता है। अब देखो जो एप्पल्स पे 3rd रुपये उसने स्पेंड किया है उससे यूटिलिटी मिलती है 8, और जो मैंगोज़ पे उसने 2 रुपये स्पेंड किए तो जो लास्ट 2nd रुपये वो स्पेंड करता है वहाँ से भी उसको यूटिलिटी मिलती है 8। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन पूरी है, लास्ट रुपये जो मैंगो पे स्पेंड किया, लास्ट रुपये जो एप्पल पे स्पेंड किया, वहाँ से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है, और कंज्यूमर जो है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे उसकी देखो 12 + 10 + 8 + 10 + 8 ये 48 है, बट अगर वो किसी और तरीके से जैसे वो 3 यूनिट मैंगो के परचेज करता है, 2 यूनिट एप्पल के खरीदता है, तो वहाँ पे उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 48 से कम होती है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसको आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। जो ओ एक्सिस है वहाँ पे मैंने यूनिट्स ऑफ मनी लिए हैं, ओ वाई पे मैंने मार्जिनलिटी ऑफ एप्पल एंड मार्जिनलिटी ऑफ मैंगो लिए हैं। देखो 3 रुपये वो एप्पल पे स्पेंड करता है, 2 रुपये वो मैंगो पे स्पेंड करता है, और वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसी तरह क्या है कि अगर ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन पे आता है, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी है, ग्राफिकली आपने शो करके बताना है कि अगर हम
एक एप्पल का सेक्रिफाइस करते हैं, एक मैंगो का गेन करते हैं, तो जो हमारा गेन होता है वो हमारे लॉस से कम होता है, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इस लॉ को क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखो, यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारा रैशनल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम रैशनल नहीं होते। कई बार हम इम्पल्सिव, जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती, यूटिलिटी नहीं भी होती, तो भी वो परचेज़ करते हैं। और जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं, देखो, हम कंप्यूटर्स नहीं होते कि हम कैलकुलेट करें कि इससे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, इससे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है मार्केट के अंदर जाता है, उसको वो ज़्यादा इग्नोरेंट भी नहीं होता, उसकी यूटिलिटी और प्राइस को वो कंपेयर नहीं कर सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमें जो हमने लिमिटेड इनकम को डिफरेंट थिंग्स के अंदर स्पेंड करना है, वो चीज़ें हमें अवेलेबल ही नहीं होती, तो हमें सेकेंड बेस्ट चीज़ें जो हैं लेनी पड़ती हैं। तो उस तरह से ये लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिफीट हो जाता है। उसी तरह जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, फैशन, कस्टम एंड हैबिट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, वो कॉन्स्टेंट नहीं होते, प्राइसेस भी चेंज होते रहते हैं, इनकम भी चेंज होती रहती है। उसी तरह गुड्स जो होती है, हर एक जो गुड्स है वो डिविजिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं हमें एज इट इज़ पूरी ही खरीदनी पड़ती हैं। और देखो, कुछ चीज़ें जो होती हैं पेरिशेबल होती हैं, वो कंज्यूम हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा, टीवी खरीदा, तो नेचुरली ये काफ़ी सालों तक चलेंगे, तो इनसे मिलने वाली यूटिलिटी को हम ब्रेड के साथ, दालों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और यूटिलिटी जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम ये नहीं बता सकते, मैंने चाय पी है, कॉफ़ी पी है, ऑरेंज खाया है, इससे मुझे यूटिलिटी क्या मिलेगी, ठीक है। और उसी तरह क्या है कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है ये भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा मनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी यूटिलिटी कम होती है, हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, पर जब लिमिटेड इनकम होती है तो हम उसको सोच समझ के खर्च करते हैं। तो ये भी जो हमारी कंडीशन है कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भी सही नहीं है। उसी तरह ही देखो, जो रियल लाइफ है उसके अंदर यूटिलिटी भी जो होती है डिपेंडेंट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स भी होती हैं। ये जो लॉ है, चाहे इसके अंदर क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर समझने में, बिहेव उसकी जो लिमिटेड इनकम है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इस लॉ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसे क्या है कंजम्पशन, अब देखो कंजम्पशन के अंदर क्या है कि जो जो कंज्यूमर है हमारा, उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर इस ढंग से स्पेंड करता है कि हर एक कमोडिटी के ऊपर जो लास्ट रुपये वो स्पेंड करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है इक्वल होती है। उसी तरह देखो, जो प्रोड्यूसर है उसका एम भी क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। नेचुरली वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो नेचुरली वो इस ढंग से फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करता है, यूज़ करता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर जो होती है इक्वल होती है। उसी तरह देखो, एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हम उन चीज़ों के साथ एक्सचेंज करने चाहते हैं जिनसे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो ये एक्सचेंज भी तब तक चलता रहता है जब तक कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है सेम नहीं हो जाती। उसी तरह देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से की जाती है कि जो फैक्टर है लॉन्ग रन के अंदर, जितनी नेशनल इनकम है उसके अंदर से उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल जो है पैसे मिलने चाहिए। और नेचुरली अगर हमें लगता है कि इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो हम उसको कम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम नहीं हो जाती। उसी तरह देखो, जो फिनांस मिनिस्टर है उसने टैक्स लगाना है, तो टैक्स वो इस ढंग से इम्पोज करता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है या कंज्यूमर है कि उसका मार्जिनल सेक्रीफाइस जो होता है टैक्स पे करने से सेम हो जाए। उसी तरह देखो, हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे हमारे पास सेविंग्स है, उनको हमने डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट इस ढंग से करना होता है कि जो लास्ट रुपी हम हर एक एसेट के ऊपर एलोकेट करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है सेम होनी चाहिए। उसी तरह देखो, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी क्या होता है कि नेचुरली जिसकी यूटिलिटी हमें कम होती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसकी यूटिलिटी हमें ज़्यादा होती है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी जो है सेम नहीं हो जाती।